और अभी बहुत ही जल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का, हरियाणा जी का, झारखंड का चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है, तो शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है। तो सभी लोगों को मेरा अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट, 70% 80% वोट आप यहाँ करिए। और जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के साथ है, जम्मू कश्मीर ही अभी हमारी अच्छी प्रगति हो रही है और इसके लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ जो वोटिंग हो, रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हो, ऐसे हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं। और अभी मैं आते आते माननीय आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई और जम्मू कश्मीर के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने हमको दी। जम्मू कश्मीर बढ़िया में मतलब बहुत बड़ी शांति है, बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है लेकिन आम आदमी को यहाँ बहुत बड़ी राहत है। और जब से 370 आर्टिकल हटाया है तब से यहाँ देखा जाए तो कम से कम 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं और उसमें फॉरेनर भी है, इंडियन भी है और लोगों को अभी डर नहीं लगता है। मतलब पहले तो यहाँ श्रीनगर आने के लिए, जम्मू आने के लिए डर डर लगता था लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता है। और जिस तरह 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ तिरंगा झंडा लहरा रहा है और जो अपनी भारत की जो भारत के लोगों में जम्मू कश्मीर का या कश्मीर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमेशा रहता था और कश्मीर आने के लिए लोग मतलब दूर दूर से यहाँ आना चाहते थे लेकिन बीच में आतंकवाद इतना बड़ा था कि उससे मतलब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो चुका था। और यहाँ का टूरिज्म पर मतलब यहाँ का काम चलता है, तो एलजी साहब ने हमको बताया है कि भाई यहाँ बहुत बड़ी शांति है, बीच में जानबूझकर कोई हमले करने की कोशिश होती है मगर हमने जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा मजबूत बनाने का काम किया है। जिस तरह माननीय अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटाते वक्त जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जो था वो खत्म किया था और जम्मू कश्मीर को मतलब क्या यूटी बोलते हैं यूटी जो यूटी जो है, जम्मू कश्मीर को यूटी और लद्दाख की अलग यूटी अनाउंस की थी लेकिन तभी माननीय अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है ये सरकार बहुत ही जल्द यहाँ असेंबली का चुनाव करेगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मैं जम्मू की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 60% तक वोटिंग किया है, मतलब वो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये बाकी के महाराष्ट्र हो या दूसरे स्टेट हो वहां भी मतलब वोटिंग का कम परसेंटेज हुआ, 60 हुआ, 60 थोड़ा कम हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा या 60%